मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं, किसने किया बता दूं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते, तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को झकझोरते हुए कहा कि अनुराग नड्डा और जयराम कह रहे थे कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सच्चाई बता दें कि सब किसने किया। उन्होंने कहा कि ये सब आपने किया है। अगर दिल्ली में मोदी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी के साथियों को आशीर्वाद ना देते, तो ये सारे कामों में अड़ंगा डाल देते। ये जयराम की टीम है, वे जो काम दिल्ली से लाते हैं वे यहाँ तेजी से हो रहा है। एम्स, टनल, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बने हैं तो ये आपके वोट की ताकत है। और आज जब बिलासपुर आया हूँ तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था कि यहाँ पैदल टहलते थे, कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहाँ बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहाँ बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहाँ से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहाँ जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहाँ आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं, किसने किया बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते, तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है, अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी।
अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे, और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था, और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है, देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है, और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। बिलासपुर से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा।
न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।